आइए जानते हैं रेनबो कैसे बनता है। इससे पहले हम प्रिज्म के थ्रू समझेंगे कि रेनबो किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स भी प्रिज्म की तरह ही काम करती है, फिनोमेना सेम है, तो हम इसको समझेंगे। तो जब भी हम लाइट प्रिज्म से पास करेंगे तो वो लाइट क्या होगी, बैंड होगी, जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। उसके बाद डिस्पर्सन होगा, सेवन कलर में डिवाइड होगी। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगा कलर की वो ऊपर होगा, जिसकी कम होगी वो नीचे होगा। तो रेड की ज्यादा है वो ऊपर है और वायलेट की कम है तो सबसे नीचे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम रेड का है, ठीक है। तो सेवन कलर्स में ये डिवाइड हो गए। सबसे पहले क्या है, रेड कलर है, फिर ऑरेंज कलर रहेगा, विबक्योर हम इसको बोलेंगे, येलो ग्रीन ब्लू विबक्योर, ठीक है। ऐसे ही ड्रॉपलेट्स काम करती है। जब भी सन की रेज उन ड्रॉपलेट्स में से जाएगी तो वो सबसे पहले उसमें रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद उसके अंदर वही बैंड होगी, ठीक है, लाइट सन की, फिर उसके बाद वो डिवाइड होगी सेवन कलर्स में, ठीक है, फिर डिस्पर्जन होगा अंदर ही, ठीक है। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर से उन सेवन कलर का रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हमें दिखेगा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें दिखेगा, अंदर हुआ है वो तो इल्यूज हमें दिखेगा रेनबो, ठीक है। उसके बाद फिर से वो अंदर ही हुआ सेवन कलर, फिर वो रिफ्रैक्ट हुआ, फिर से बैंड होके वो हमें दिख रहा है, ठीक है। चार तरीके की प्रोसेस हो रही है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद में हो रहा है रिफ्रैक्शन, तब हम रेनबो को देख पा रहे हैं। रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये अब रेनबो का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियोस के लिए, थैंक यू। आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरीके से हम देख पा रहे हैं, थैंक यू।